सेवाती घाटी का मामला हम लोग के संज्ञान में है, हमारे वनकर्मी वहां पर जाकर देख चुके हैं। झारखंड और बंगाल का जो फॉरेस्ट का एरिया है दोनों पास पास है। झारखंड के एरिया में एक बोर्ड लगा दिया गया है, इसका उन्होंने बात किया हमारे फॉरेस्ट गार्ड ने। वेस्ट बंगाल के वनकर्मियों का कहना है कि वो बोर्ड को हटा लेंगे जो झारखंड के हिस्से से है, जहाँ पर जो झारखंड का हिस्सा है हम लोग वहाँ पर झारखंड का बोर्ड लगा देंगे। वार्ता में उनसे पूछा गया कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है, उनका कहना है कि कुछ ग्रामीण जंगल झाड़ियों को साफ करके गैर वाणिज्यिक कार्य करना चाह रहे थे, उन्होंने उस गैर वाणिज्यिक कार्य को रोकने के लिए बोर्ड लगा दिया है ताकि तत्काल लोग सतर्क हो जाए और कोई गलत कार्य नहीं कर बैठे। तो हमारा वहाँ के ग्रामीणों से अनुरोध है कि कोई गैर वाणिज्यिक कार्य बिना अनुमति के ना करें। हमारे फॉरेस्ट कार्मी वहाँ पर जाकर अपना बोर्ड सेटअप कर दे रहे हैं, उनके बोर्ड को हटा दिया जाएगा, वहाँ पर हम लोग हरे भरे पौधे लगा देंगे ताकि हम प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखें और अपना जो टेरिटरी है वो बिल्कुल अच्छे से डिमार्केट किया जा सके। यही बोल रहे हैं, अगर आप बंगाल के बोर्ड बंगाल सीमा में किए हैं, अपना जमीन में किए हैं, और चूंकि दोनों फॉरेस्ट लैंड है, या तो झारखंड का या बंगाल का, तो आप बंगाल से यदि हैं, बंगाल में आप बोर्ड गाड़े हैं, तो आप उन पर कार्रवाई कीजिए, कुछ किया हुआ है, इंक्रोचमेंट किया हुआ है तो, या तो फिर बोर्ड आप शिफ्ट कर लीजिए, दोनों में से एक करना होगा। तो विवाद जो बढ़ गया, इससे कितनी परेशानी हुई आप लोग को? ये परेशानी क्या है, हम लोग तो उसको माफी करके उसको देख रहे हैं, उसको जांच ही कर रहे हैं। तो क्या जांच में क्या पाए? जांच में पाए कि अभी अपना तरफ से जो हम नापी करके आए फॉरेस्ट लैंड, उससे बाहर मतलब झारखंड का जो फॉरेस्ट है जुमरा, उससे बाहर ये है। और अब हम उसको जब डेली जब किया जाएगा वेस्ट बंगाल के तरफ से, तब वो क्लियर स्पष्ट हो जाएगा कि ये किसमें। तो अभी यह बोर्ड विवाद का विषय बना हुआ है ना? बोर्ड विवाद का विषय बना हुआ है। हम बोर्ड बंगाल वाले से बोले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, कि अगर मान लीजिए कि बोर्ड आपने लगाया है, या अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बंगाल का ही है, तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए, और नहीं तो फिर बोर्ड को अभी शिफ्ट कर लिए जब तक सर्वे नहीं होता है। मतलब विवाद अभी कायम है। हाँ, बोर्ड या तो शिफ्ट करें अपना, और नहीं तो फिर बोर्ड हटाएं, और अगर नहीं हटाते हैं तो फिर अपना कार्रवाई कीजिए। अगर मान लीजिए फॉरेस्ट लैंड है वेस्ट बंगाल का, तो फिर कार्रवाई करना चाहिए। तो इस पर सड़क बन गई, झारखंड ने सड़क बना दिया, झारखंड ने पुल पुलिया बना दिया, उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं ना है। अभी हम आए, हम उसका जांच कर रहे हैं, हम ये कैसे पता। लेकिन जब पुलिया बनी और रोड बना, उस समय भी दोनों बंगाल और अभी आप लोगों ने कहा है कि उनको बोर्ड हटाने के लिए कहा है ना? हाँ, किसको कहा है, किसको कहा है? अभी वेस्ट बंगाल से जो भी बीट अफसर लोग आए थे, उनको बोले हम यही चीज कि बोर्ड अपना जो है शिफ्ट कर लीजिए, और अगर शिफ्ट नहीं करते हैं, आपको लगता है कि वेस्ट बंगाल का ही फॉरेस्ट लैंड में है, तो फिर आप कार्रवाई कीजिए जो भी दोषी है उस पर। तो आप लोग कार्रवाई करेंगे ना? नहीं, अभी तो हम देख रहे हैं, उसको मिला रहे हैं, वो अपना झारखंड से बाहर है। तो उधर से नापी हो गया है? नहीं नहीं, उधर से भी नहीं हुआ, मतलब विवाद कायम है अभी। उन लोग को हम बोल दिए हैं, वो लोग भी बोले कि हम लोग अपना रेंज अफसर से बात करेंगे, डीएफओ से बात करेंगे, उसके बाद उस पर अपना ये करेंगे। ये मामला जिस दिन बंगाल सरकार के वन विभाग के द्वारा झारखंड सरकार के वन भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा था, मैं 3 मई की बात है, और 3 मई को मैंने इसकी सूचना यहाँ के वन प्रमंडल पदाधिकारी, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी पटवार को, और वन विभाग के सारे पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी थी कि बंगाल सरकार के वन विभाग के द्वारा झारखंड सरकार के वन भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है, उसको जबरदस्ती अपने सीमा में बोर्ड गाड़ रहा है, और इसके बावजूद विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके कारण बंगाल सरकार के वन विभाग के द्वारा झारखंड सरकार के वन सीमा में करीब 1 एकड़ अंदर घुस के 50 फीट अंदर घुस के अपना बोर्ड लगा के अपना कब्जा जमा लिया। इसकी सूचना लगातार वन विभाग के पदाधिकारी को दिया गया, और वन विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा इस पर संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके कारण झारखंड सरकार के वन विभाग के लगभग कई एकड़ जमीन पर वो कब्जा जमा लिया। वो अभी भी हम लोग वन विभाग के पदाधिकारी और सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें, और जो अवैध कब्जा झारखंड से बंगाल सरकार के द्वारा वन विभाग के द्वारा किया गया है, उसको झारखंड सरकार फिर से अपने कब्जे में ले।